Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आज इस वीडियो में कुछ नया सिखाएंगे आप लोगों को। तो आपके पास यदि अगर ऐसे मॉनिटर आता है जिसका ना तो पावर सप्लाई ठीक है ना उसका पीसीबी ठीक है, तो ये आपको कैसे सॉर्ट आउट करना होगा, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। और बहुत सारा चीज हम इसमें आपको बताने वाले हैं, जैसे कि इसका पावर सप्लाई जो है उसका पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है और डायोड इसमें से काट के नीचे गिर चुका था, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। और इसका जो पावर आईसी है बिल्कुल यहाँ से जल चुका है, और उसके साथ साथ क्या जला हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मेन पीसीबी है जो कि फुल्ली बर्न हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर मेन आईसी है ये भी जल चुका है, और इसमें बहुत सारा जो इसमें आईसी वगैरह है, रेगुलेटर आईसी वगैरह सब इसमें जल चुका है। तो इसको कैसे ठीक करना है, आप तो बोलेंगे ये तो रिपेयर नहीं है, मतलब इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें आपको बहुत ही कम खर्चे में इसको कैसे आपको ठीक करना है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और मजा उठाइए। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है ये एलवीडी कनेक्टर हम खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये पावर सप्लाई कनेक्टर जो है इसको खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ तीन ही कनेक्टर है, एक तो इसका जो स्विच पैनल है उसका कनेक्टर, मतलब कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये स्विच कनेक्टर जो है उसका ये कनेक्टर है, और इसमें एलवीडी है सर, इसमें सप्लाई, और इसमें ये वीजीए जो है ये इनपुट के लिए है। तो SMPS भी नॉट रिपेयरेबल है। तो अभी यहाँ पे हम ये जो कॉयल है इसको सिर्फ उखाड़ेंगे और इसमें जुगाड़ लगाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है ये AC कनेक्टर, उसे भी आपको निकालना है। तो आराम से इसको रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, और बड़ी आसान तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये रिपेयर भी नहीं है, ट्रिक है। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो जिंदगी भर आपको ऐसे मॉनिटर के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉयल है आपको इसे निकालना होगा। तो ये निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, आप इसे हटा सकते हैं। और याद रखिएगा इस टाइप का मॉडल का जो अगर मॉनिटर आता है तो इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट लगता है, ठीक है। तो ये रेड वाला जो होता है इसका 5 वोल्ट, येलो वाला 12 वोल्ट, और ये ब्लैक इसका ग्राउंड का साइन है। तो आप यहां से इसको खोल सकते हैं, ये जो कनेक्टर है इसको भी आप खोल सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी खोल दे दें, मतलब कि बाद में अगर काम पे आएंगे तो बहुत अच्छा है। और कलर का ऑप्शन भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे खोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम सोल्डर इसमें यूज करेंगे और ये अपने आप निकाल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हुए पीछे की तरफ से थोड़ा सा खींचेंगे तो ये निकल जाएंगे। ऐसे इस तरीके से इसको निकालने के बाद साइड में रख दीजिए और इसे भी हटा दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत अभी है नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये इसका जो मेन बोर्ड है पीसीबी, ये भी तो जल चुका है, तो हम दूसरा पीसीबी लेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा पीसीबी है और जो कि लगभग सेम ही है, और इसका एलवीडीएस का जो कनेक्टर है सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका एलवीडीएस जो था ये सॉकेट वाला था अलग से, तो लॉक टाइप का, तो इसे हम यूज नहीं कर सकते, मतलब कि दूसरा इसमें यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये वाला एलवीडीएस आपको लगेगा। तो ये आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएंगे, और बोर्ड का तो प्राइस आप ऑनलाइन में पता कर सकते हैं, नॉर्मल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको इसे यहाँ पे सेट करना है, लेकिन सेट करने से पहले आप ये कनेक्टर जो वहां से खोले उसको यहाँ पे लगा दीजिए, और इस तरीके से लगाने के बाद ये जो है कनेक्टर आपको इसे यहाँ पे लगाना होगा, नॉर्मल सा है, मतलब कि सिर्फ कनेक्शन देना होगा और इसमें सिर्फ सप्लाई देंगे तो ये आपका सिस्टम चालू हो जाएंगे।
लेकिन आपको तो सप्लाई की जरूरत होंगे। उसके लिए और एक दूसरा जुगाड़ है यहाँ पे, ये 12 वोल्ट का 3 एम्पियर का एक कॉमन SMPS है, मतलब पावर सप्लाई यूनिट है PSU। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो 5 वोल्ट हम लोगों को नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 12 वोल्ट। तो इसके लिए आपको और एक चीज की जरूरत है, जो कि आपका ये रेगुलेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इसका नंबर आपको शायद दिख नहीं रहा था, मतलब बता देता हूं मैं, इसमें 7805CV। तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, मतलब कि अगर आप इसमें 12 वोल्ट इनपुट करेंगे तो इसमें से आउटपुट करेगा 12 वोल्ट। तो चलिए हम इसको लेके काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड का ठिकाना लगाएंगे, उसके बाद पैनल वगैरह कनेक्ट करके आप दिखाएंगे। तो इसे करने के लिए जगह भी आपका कम हो रहा है, मतलब कि ज्यादा भी नहीं लगेगा, तो सिंपल सा है। लेकिन और एक चीज मैं निकालना भूल गया कि उसका जो कॉर्ड था, सॉकेट था, तो अब हम इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसे ग्लू से चिपकाना है, और इस तरीके से चिपकाने के बाद यहाँ से हम सप्लाई देंगे इसका, ये जो पावर सप्लाई मैं दूसरा लगा रहा हूँ इसमें लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है इसे आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, और कनेक्ट करने के बाद इसका जो स्क्रू वगैरह है उसे आप टाइट कर दीजिए, क्योंकि इसका जो स्विच पैनल है उसको आप बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये वाला स्क्रू नहीं है। दूसरा वाला है, इसलिए नहीं लग रहा है। तो चलिए हम दूसरा वाला इसमें लगा के देखते हैं। और इस तरीके से आप इसे सेट कर दीजिए। और अब नेक्स्ट क्या करना होगा मैं आपको दिखा रहा हूं, तो केयरफुली देखिएगा। अभी हम यहाँ पे रेगुलर IC जो दिखाए थे आप लोगों को वो सेट करेंगे। तो इसे सेट करने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना होगा, तो इसके लिए भी आपको स्क्रू की जरूरत है। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रू लगा दीजिए। और इसे यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दीजिए। और एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका थर्ड नंबर पिन जो है ये इसका आउटपुट है, तो हम इसका थर्ड नंबर पिन जो है ये इस तरीके से इसको मोड़ेंगे। तो इसका थर्ड नंबर पिन ये है और इसका थर्ड नंबर पिन ये है, और इसका फर्स्ट जो पिन है इसे आपको देना होगा 12 वोल्ट इनपुट। तो इसे भी हम इसको मोड़ देंगे इस तरीके से, और इसे भी मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको काटेंगे काटर से और इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और बीच वाला की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बॉडी में अर्थिंग दे देंगे, मतलब नेगेटिव बॉडी में हम दे देंगे, तो इसके लिए बीच वाला जो कनेक्शन है इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ब्लैक वायर लेंगे, थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हम इसमें दो एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब बनाएंगे इसका नेगेटिव का कनेक्शन।
यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डर लगाएंगे ताकि दोनों जो रेगुलेटर है ये एक साथ अच्छे से बराबर जॉइंट रहे, ठीक है। और इसके बाद ये नेगेटिव का सप्लाई जो है, नेगेटिव इसमें लगा दिया। अभी हम रेगुलेटर में सप्लाई इनपुट करेंगे, तो इसका फर्स्ट नंबर पिन जो है ये इनपुट है जो कि 12 वोल्ट है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे इस तरीके से इसको इनपुट दे देंगे, तो दोनों का फर्स्ट पिन एक साथ वापस में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों का फास्ट पिन यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूं, आप देख सकते हैं बड़ी आसान है। ये इसका फर्स्ट पिन और इधर का फर्स्ट पिन दोनों एक साथ ज्वाइंट हो चुका है, और इसका लास्ट दोनों एक साथ ज्वाइंट करके इसका आउटपुट हम लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो SMPS है इसको कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकती कि लास्ट वाला जो दो पिन है इसमें है V+, V+, उसके बाद पहला जो दो पिन है वो है V-V-। तो V+ में दोनों का दोनों एक ही पॉइंट में लगता है। तो अभी यहाँ पे हम रेड वाला जो वायर है इसे हम ज्वाइन कर देंगे, और इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा कनेक्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो LVDS का जो बैकलाइट कंट्रोलर है वो इसकी लॉजिक बोर्ड में है। तो अभी आपको सिर्फ इसमें सप्लाई देना है, तो ये बाकी काम इसका मेन PC भी कर लेंगे। तो ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं, सिंपली इसको करना है। और इसका मॉडल नंबर भी मैं लास्ट में बता दूंगा। और अभी यहाँ पे सिर्फ आपको देना होगा 220 वोल्ट AC। तो सिंपली आप फॉलो कीजिए इस वीडियो को और देख रहिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से 5 वोल्ट तो बन रहा है और इसमें से 12 वोल्ट भी आ रहा है, तो हम इधर से ये जो कनेक्शन है इसको लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 वोल्ट का जो है ये येलो कलर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये येलो कलर जो है इसका ये यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है उसे भी लगाना होगा। तो थोड़ा सा हम प्लायर से ये जो येलो वायर है इसे हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको अटैच करना होगा, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं लेकिन ये काफी मुश्किल का काम है। और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे रेड वाला जो है इसमें आपको 5 वोल्ट देना होगा, तो ये दोनों को भी थोड़ा सा मोड़ना होगा। और तो देखिए फिर से बता रहा हूं, ये जो रेड वाला है इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसके साथ डायरेक्ट हम ये इसका येलो कलर का कनेक्शन लगा दिया। उसके बाद सिर्फ छोटा सा एक तार लेंगे और जोड़ के इसका जो 5 वोल्ट का कनेक्शन है उसके साथ हम लगा देंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है उसे निकाल लेते हैं। तो इसका 3 नंबर पिन मैंने बताया थे कि आउटपुट है, तो इसी में से आपको निकालना होगा 5 वोल्ट। तो ये निकाल चुका है 5 वोल्ट, इसको ज्वाइन करके हम इनपुट में यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद ये काम पूरा, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है क्योंकि आपको इसमें नेगेटिव सप्लाई जो है उसको देना होगा। तो अब यहाँ पे ब्लैक वाला जो है इसके साथ हम नेगेटिव को लगा देंगे, तो इसके लिए ये जो नेगेटिव है इसको थोड़ा सा काट के यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओ पूरा ही काट लेते हैं। टूट चुका है, चलो टूटने दो।
तो 15-20 मिनट का ये लगेगा वीडियो, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो नेगेटिव को हम यहां पे दोबारा लगा देंगे और यहां पे भी इसको कनेक्ट करेंगे, और पॉजिटिव जो है इसको हम दोबारा इसमें कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसमें जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये अब हो चुका है। तो ये बिल्कुल होने के बाद आपको देखिए सिंपली इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दिया। आप कैसे भी दे सकते हैं, आप उसे एडाप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपका मर्जी है। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा होल वगैरह बनाएंगे क्योंकि इसको सेट करना है, तो इसके लिए मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद होल बना के इसको सेट कर देंगे। उसे हम बाद में लगाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने 3 होल बनाया, तो इस 3 होल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अभी और एक काम बाकी है जो कि ये है, तो इसे आपको लगाना ही होगा क्योंकि वोल्टेज जो फ्लैक्चर होते हैं, तब अगर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी लेवल हाई होता है तो उसे डिक्रीज करने के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, कोई भी पीएसयू के लिए आपको इसकी जरूरत होता है। ठीक है, तो बी केयरफुल, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बना भी सकते हैं। इसके अंदर फेरिट्रॉइड है और बाहर में सिर्फ एक कॉयल है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इसको बनाने के बाद इसके साथ यहाँ पे आप आउटपुट कर लीजिए, ताकि क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ये कॉइल के अंदर से बिजली ट्रांसफर होने की वजह से, तो इसके बाद काफी कम हो जाएंगे अगर आपका फ्रीक्वेंसी लेवल हाई है तो। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटा सा पिद्दू सा चीज आपका डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे बचा सकते बहुत हद तक। इसके बाद हम इसमें टाई का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्क्रू का इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी, तो इसमें इसके ऊपर जो स्क्रू का नाट होता है उसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो इसलिए नहीं लगाया। और यहाँ पे वाशर का इस्तेमाल किया, ये तो आपका मर्जी है कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ये जो है मोनिटर लगभग रेडी है, तो इसके बाद आपको सेट करना है यहाँ पे एसी सॉकेट को। तो यहाँ से सिर्फ 2 कनेक्शन आपको निकाल के लगाना है, तो वो क्या क्या है, सिर्फ ये इसमें न्यूट्रल और फेज इसमें से आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, बहुत ही आसान है, इस तरीके से यहाँ पे इसको सोल्डर कर दीजिए एक तार को। सिर्फ इसमें 2 पॉइंट दिया जाता है, हर किसी को मालूम है ये जो कॉमन पावर सप्लाई यूनिट है। तो इसके बाद आपको इसे यहां पे कनेक्ट करना है, तो यहां पे आप कनेक्ट कर दीजिए। तो और इसके बाद यहां पे हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे।
चलिए ग्लू से चिपका के आपको दिखाते हैं। तो अब इसको सिर्फ सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलईडी में सिर्फ डिस्प्ले लगाएंगे और इसका कवर लगा देंगे तो ये हो जाए। इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट करना होगा, उसके बाद सेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पे मतलब कि टोटल सेट नहीं किया और आप यहाँ पे देख लीजिए वही चीज ठीक है। तो इसके नीचे आप देखिए कि इसमें पावर सप्लाई और वीजीए केबल में दोनों का दोनों स्टार्ट कर दिया और अभी हम इसको पावर ऑन करके देखने वाले हैं ठीक है। उसके बाद लगाएंगे क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बाद आपको भुगतना पड़ता है। तो ये मेरा वाइफ का चैनल का आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये जो है ये विंडोज तो इसमें ये खोल के रखा हूँ तो अच्छे से पिक्चर आया है। नीचे का थोड़ा सा इसे ब्लर हो रहा है तो ये नो प्रॉब्लम। खैर तो अभी हम इसमें से ये खोलते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बड़े आराम से चल रहा है और इस तरीके से चलेंगे भी बहुत दिन तक चलेगा। तो भाई ये जुगाड़ कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइए और अगर अच्छा लगा है तो भाई मारो लाइक ठोको शेयर और साथ में रहो चलते रहो दूर तक। लव यू ऑल।